और यहाँ की चपाती देखो आप तो यार, ऐसी चपाती हो रही है एकदम लंबी लंबी बड़ी बड़ी। इस पूरे एरिया के चीफ है यहाँ के, इनका कहना ये है कि एक्चुअली ये आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं तो ये हमारा फर्ज है कि आप लोगों की सिक्योरिटी, हम आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं। ये भाईजान है, ये इन्हीं के है जो ये मालविनी की टीम में है। ये देखो भाई, और ये जगह देखो, यहाँ पे आप लोगों को बैठ के, कभी सोचा नहीं था मैंने खाना ऐसी जगह बैठ के मैं खाना खाऊंगा। सो गाइस, आप लोग वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लियर किए देता हूँ। अब से पहले वीडियोज में आप लोगों ने देखा अफगान लोगों की मेहमान नवाजी देखी, अफगान लोगों का इंडियंस के प्रति प्यार देखा, और अफगान लोगों की मेहमान नवाजी तो पूरी दुनिया में फेमस है यार। अफगान लोग मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, और इस वीडियो को भी आप उसी नज़रिए से देखें। तालिबान है जो अभी वहाँ पे है, जो रूल कर रहा है, तालिबान वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो तालिबान, हम लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पे तालिबान लोग, कहीं भी देख लो, हम लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पे हर जगह यही बोलते थे, आइए चाय वाय पीजिए, खाना वाना खाइए। जहाँ भी जाते थे वहाँ हम लोग मना करते करते थक गए थे उनको यार, फिर भी हम लोग दो से तीन जगह उनके साथ खाना पीना खाया था। और इस वीडियो में भी आप लोगों को वही मिलने वाला है, तालिबान लोगों की मेहमान नवाजी मिलने वाली है। और वहाँ के आदमी से मुलाकात नहीं हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे हर जगह जगह पे चेक पोस्ट थे, हर जगह जहाँ भी जाते थे वहाँ तालिबान के लोग यही कहते थे यार आओ खाना पीना खाओ बैठो। और इंडियंस का नाम लेते तो स्पेशली जो प्यार मोहब्बत था वो अलग ही देखने को मिलता था, तालिबान लोगों का भी और अफगानिस्तान के लोगों का भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इश्यू बना रहे थे फालतू की चीज़ों को लेकर, तो मैंने सोचा पहले एक बार क्लियर किए देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी बाकी वीडियोज के नज़रिए से ही देखें। और आज वीडियो देखने वाले लगभग 70-80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो थोड़ा सा वो रेड कलर वाला बटन है उसको दबा दो, और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लो ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप थोड़ा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। अभी मैं हूँ हेरात, हेरात एक अफगानिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ पे हेरात में हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पे खाना पीना खाने आए, पहले तो खाना पीना खाते हैं। और यहाँ पे देखो वो काबुली पुलाव पूरा ऐसे एक तबले में बड़ा सारा तबला होता है और उसमें ना पूरा काबुली पुलाव भर के रखते हैं। और यहाँ पे काबुली पुलाव है जो यहाँ पे पूरे अफगानिस्तान में काफ़ी फेमस है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ब्रेकफास्ट है जो काबुली पुलाव ही होता है। और यहाँ की चपाती देखो आप तो यार, ऐसी चपाती हो रही है एकदम लंबी लंबी बड़ी बड़ी, आपने इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चपाती आपको देखने के लिए। उर्दू मैं हिंदुस्तान से, इंडिया से, आर्मी, यू आर इन आर्मी। वाओ, ये देखो यार ये काबुली पुलाव का है जो पूरा का पूरा यहाँ पे तबेला भर के रखते हैं ऐसे, मुझे मस्त लगा इनका काबुली पुलाव। हाउ मच? काबुली पुलाव का जो प्राइस है वो 200 अफगान अफगानी इंडिया की करेंसी के बराबर ही है, पर थाली 200 रुपए मान लो आप। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी मैं हूँ यहाँ पे हेरात में। हेरात अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है और ये ईरान से लगती हुई बॉर्डर के पास है। ईरान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना लगभग वहाँ पे है। और कल मैं, आज मेरा हेरात में लास्ट दिन है, आज मैं यहाँ से हेरात से काबुल के लिए निकल जाऊँगा। और ये हेरात का व्यू देखो आप। तो एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी आज के इस ब्लॉग की कि कल हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे हेरात में, तो हम लोगों को कुछ तालिबानी लोगों ने रोका टोका, उन्होंने पासपोर्ट वगैरह पूछा। ठीक है, इंडिया के लोगों से वो प्यार मोहब्बत करते हैं, इंडियन पासपोर्ट देखते हैं वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन फिर जो मेरे फ्रेंड है सईद साहब, जो कि यहाँ पे नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे जो चीफ, यहाँ पे जो कमांडर है ना, यहाँ का जो इस एरिया का चीफ है ना, तालिबानी चीफ, उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे आपके लोग परेशान कर रहे हैं। तो उस भाई ने बोला कौन है परेशान करने वाला मेरे को बताओ। तो फिर उसने बोला कि यार चलो आज ये हमारे मेहमान हैं तो मैं घुमाऊँगा आज इन लोगों को, कि ये मेरे मेहमान हैं, इंडिया से मेहमान आए, आज इन लोगों को मैं घुमाऊंगा सारे दिन। मैंने बोला यार लास्ट दिन, उन्होंने बोला लास्ट दिन जितना भी है आपका, जितना भी टाइम है वो हमारे साथ। और ये देखो ये हेरात का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, क्या खूबसूरत हेरात है यार। ये अभी पहाड़ियों पे, ये हम लोगों को पहाड़ियों पे घुमाने लाए हैं, वो वहाँ पे होटल है। सो सबसे पहले तो आपको शाह से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये ऐसा है जो यहाँ की नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। ऐसा गुड, हाउ आर यू? गुड। और अब मैं आपको अपने भाई लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। शाह से मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया,
ये है अपने भाई लोग, कैसे हो? हाउ आर यू? ये फाइन 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 ना। ये क्या है कि यार इंग्लिश और उर्दू नहीं समझते हैं, इनका पश्तून और पारसी। पश्तून लैंग्वेज। ओके ओके ओके। सो ये है ना, इस एरिया के चीफ है कमांडर, चीफ दिस एरिया। ओके, इस पूरे एरिया के चीफ है यहाँ के। तो काफी अच्छा लगा इनसे मिलके, से दैट वी वेरी हैप्पी टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। डियर खुशहाल इस तरह समूरी दिन से मुलाकात हो गई। मजा इंशाल्लाह खुशहाल है, मैं आसिस पर खिदमत की हम बस दरत चे हर सयाह रजी न दे सियाहत रजी द अर्कश्वर से रजी आज मुझ में माने दे बस अल्हम्दुलिल्लाह द गुस सम खिदमत को सिस पर खिदमत की। He is so happy like you for coming here, and he's saying that about the security, we are here for get the security all this area. Okay. And we are so happy that you are coming to this our country. Yeah. And okay. He say I will promise that we will secure, we will cover you anytime. Yeah. In any situation. Oh, thank you for that. Tulu dunyana taqriban maghsam urud mahki aw dagasakha قطر څخه خلک دلته رالی سیاحت دپاره راغلی دي، او خصوصا د هرات دغه ساحې ته راځي، او دغه ساحه چې دي ډېر د نادره منطقه ده، د ټوله شهر معلوم دی. وګوره د ټوله شهر مثلا دغه ځای څخه معلوم دی، او دلته په خامخا راځي هر سیاح، هر ګردشګر چې دلته راځي هرات ته په خامخا به دلته راځي. Came here. Yeah. And every foreign that every tourist come to Afghanistan or maybe Herat, yeah, he will be come to this area. This know? Area. Yeah, yeah, nice area. Looking very very yeah. nice, very beautiful. Very beautiful area. Okay, thank you. Thank you. Shukriya. Video me hit. Yeah. You know. Aur ye bhai jaan ka naam hai Mohammad Nabi Badakhshi. So, nice to meet you brother. Tashakkur. Okay. तो इनका कहना ये है कि एक्चुअली ये आप लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि आप लोगों की सिक्योरिटी, हम आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, और आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत होता है, मतलब ये लोग ना काफ़ी सारे अमेरिका पाकिस्तान यहाँ से आते रहते हैं, तो उन लोगों से दिक्कत होता है इनको, इसलिए ये सब चेकिंग वगैरह करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि हम आपको घुमाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इंडिया से हमारे भाई हो, इंडिया और अफगानिस्तानी भाई भाई हैं, इनका मानना ये है। तो ऐसा कुछ सीन आज का, और ये यहाँ पे इसलिए लेके आए हमें कि यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये आप लोग देख सकते हैं। इधर देखो यार कितना खूबसूरत, क्या अल्टीमेट व्यू दिखता है यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट व्यू दिखता है यहाँ से। तो इसलिए हमें ये भाई लोग यहाँ पे लेके आए हैं, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत गुफ्तगु करते हैं इन भाई लोगों से, और फिर आगे आज मेरा लास्ट दिन है, मैं काबुल निकल जाऊँगा। तो अभी एक और भाई से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। हेलो भाई जान, मुबशर, हिज नेम इज़ मुबशर। ये भाई जान है, ये इन्हीं के है जो ये मालो इन्हीं की टीम में है, ये चीफ है यहाँ के, और ये यहाँ के इनकी आर्मी में ही है। नाइस टू मीट यू, काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से मिलके यार, बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड यार, ये लोग अलग ही है, मतलब ये अलग ही प्लेनेट से लगते हैं। वो सही साहब बोल रहा है कि मैं आप लोगों के, इन्होंने भाई लोगों ने बोला है कि इनके लिए खाना लेके आओ, मैं अभी यहाँ से जाऊँगा, इनको खाना खिलाए बगैर नहीं भेजूँगा मैं। तो अभी वो सईद को खाना लेने भेजा इन लोगों ने, तो अच्छा लगा यहाँ पे इन लोगों से मिलके। और ये देखो यार भाई अल्टीमेट, ये देखो हेरात क्या ज़बरदस्त दिखता है यहाँ से, वो रोड यूँ जाता है, ये रोड यूँ जाके रोड भी देखो क्या स्टाइल में रोड बना है यार। ये यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल था लेकिन आजकल इसमें पानी नहीं है यार। और ये अभी मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है ना, ये जो यहाँ पे चीफ है कमांडर है तालिबान की, उसको हम लोग यहाँ पे जरूर लाते हैं, यहाँ पे घुमाने जरूर लाते हैं। तो जगह काफ़ी खूबसूरत है, एक्चुअली में घुमाने लायक जगह है ये। तो अभी यहाँ पे और भी लोग आ गए हैं, अपने अफगानिस्तानी भाई लोग हैं जो काफ़ी सारे लोग बाग आ गए हैं यहाँ पे घूमने, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है मान लो हेरात का। ये देखो सबसे पहले तो सब इनके साथ फोटो ले रहे हैं यार, इन लोगों का स्वैग भी भाई अलग ही है, इन लोगों का मेहमान नवाजी भी अलग ही है। ये देखो यार इतना करने की कहाँ जरूरत थी, ये यहाँ पे हमारे लिए गद्दे ला रहे हैं। ओ माय गॉड, हेलो कैसे हो? फाइन, पार्टी हियर,
You know Urdu, English? I know English. You know English? Yes. You are from? I'm from Afghanistan, Herat City. You are from Herat City? Oh, yes. Nice, nice. Nice to see you. Camera, yes. Yeah, this is GoPro. GoPro, GoPro. You know GoPro camera? Yes. Yeah, YouTube channel. Where are you from? I'm from India. India? Yes. Which province? Rajasthan. Yes. You know? Yes. Jaipur. What happened? Why is going? Oh, do it. Huh? This place. okay, enjoy. Okay, thank you. Come on, I'm eating. No, they are calling. Okay, sure, thank you. Sahel, oh my god, what are you doing, brother? Nothing special. Oh my god, yaar, ye Afghanistan ke log, yaar. Oh my god, bhai. Inka mehman nawazi, yaar. Come. Mehman, you are best. Our guest, but you don't have time. ये देखो भाई, खाना पीना सब लेके आए हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन अफगानिस्तान के जैसे लोग आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे यार, कहीं नहीं मिलेंगे अफगानिस्तान के जितने मेहमान नवाज लोग। ये देखो गद्दा वद्दा भी आपको इनका जो जमाया है ना इन्होंने, वो दिखाता हूँ आप लोगों का भी यार। जो खाने पीने के लिए हमारे लिए जो सेट जमाया है यहाँ पे इस पहाड़ों में इतने ऊपर आके, ये देखो भाई। और ये जगह देखो, यहाँ पे आप लोगों को बैठ के और ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलता है। कभी सोचा नहीं था मैंने ऐसी जगह बैठ के मैं खाना खाऊंगा, ऐसी खूबसूरत जगह पे बैठ के मैं खाना खाऊंगा। भाईजान तशक्कुर मनाना। ग्रीन टी, यहाँ पे ग्रीन टी का प्रचलन है। ग्रीन टी का जो प्रचलन है ना वो मुझे काफी अच्छा लगा। सो यहाँ का ब्रेकफास्ट अभी हो गया हमारा पूरा यार। ब्रेकफास्ट आज का जो मजा था ना, ऐसी जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने में जो मजा आया ना, ये देखो। अब हम लोग जाएंगे, एक्चुअली आज मेरा काबुल के लिए फ्लाइट है, 11:30 बजे फ्लाइट है और 9:50 बज चुके हैं। मेरे पास 1.5 घंटे हैं, तो अभी मुझे फटाक से निकलना है यहाँ से। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं यार, ये देखो कुछ तो है जो बाइक राइडिंग के लिए आते हैं भाई लोग है जो। ये इनका अलग ही बाइक है, वो देखो भाई है जो उड़ाता हुआ ही आ रहा है बाइक को। ये अलग बाइक है इनका। प्रसाद, या यू लुक लाइक ब्रदर। तो अभी यहाँ से मुझे जाना है यार, सीधा एयरपोर्ट जाना है। मैंने मेरा बैग वगैरह सब पैक कर रखा है, ये टैक्सी है हमारी, और अभी हम लोग चलते हैं, बैठते हैं। अब मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, मेरे पास बचा है 1.5 घंटा, 1 घंटा और 40 मिनट बची है, तो मुझे जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचना है। थैंक यू। टाइम आ गए इन भाइयों को गुड बाय बोलने का। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, देर खुशहाल है जी, वेरी वेरी हैप्पी। वो तो अच्छा, अब रचते के बाद मास्क में चला सबसे बड़ा बचाव कोई चला सर इंशाल्लाह की खिदमत में रखूंगा। एवरी टाइम सेइंग दैट नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम दैट यू आर कम जस्ट कांटेक्ट अस मनाना विल बी हैप्पी। श्योर श्योर वेलकम, श्योर वेलकम, श्योर कोई मुरा आत्मान राजू इंशाल्लाह रहेगा। वेलकम, थैंक यू, टेक केयर। Please take this. I will be get a good bye. Car will stop. Okay, bye. Okay. So, अब टाइम आ गया है रात को बाय बाय बोलने का।
सो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ का हेरात के एयरपोर्ट पे, और हेरात में आज मेरा लास्ट दिन है, आज मैं हेरात को छोड़ रहा हूँ। और ये यहाँ का कुछ एयरपोर्ट का क्या नाम है, ख्वाजा अब्दुल अंसारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है यहाँ के एयरपोर्ट का। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा बोर्डिंग पास, मेरे पास केवल 45 मिनट बचा है बस। तो अभी यहाँ पे चेक इन वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह सब मिल गया है, चेक इन वगैरह हो गया है, अब हम लोग बोर्डिंग करने वाले हैं। और अभी मैं चलता हूँ, यहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा फ्लाइट का कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। ये है हेरात का एयरपोर्ट, यहाँ पे सिक्योरिटी तो इतनी ज़बरदस्त है पूछो मत यार, इतनी सिक्योरिटी तो वहाँ तक काबुल में भी नहीं थी। और ये मेरा काम एयर का, यहाँ पे दो एयरलाइन है यार, काम एयर और अरियाना, दो तीसरी एयरलाइन भी है शायद, वो आजकल काम नहीं करती और उसका मुझे नाम भी याद नहीं है। ये है अरियाना एयरलाइन, ये है काम एयरलाइन, शायद काम एयरलाइन में यार ऐसा तो नहीं है कहीं मैं ही रह गया हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है काम एयर में। ये आप सामने देखो, कोई एक बंदा तक नहीं है यार। ओह माय गॉड, ऐसे लग रहा है मेरे लिए तो नहीं खड़े हैं भाई लोग। तो चलते हैं, अभी यहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी जो सईद साहब और उमा है जो मुझे अभी ड्रॉप करके गए हैं। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का काबुल में। अभी मैं हेरात से चल के हम लोग काबुल आ गए, और काबुल में एक दिन और ठहरूंगा मैं बस, फिर कल मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए यहाँ से। और ये देखो, ये काबुल का एयरपोर्ट कुछ ऐसा है, वहाँ से काबुल को तो उन्होंने नीचे डाल रखा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा रखा है वो सामने। एक बस हो गई है फुल और दूसरी बस हमारे लिए रेडी। तो अभी मैं जाऊँगा वापस से मेरे होटल, आप लोगों ने पहले वाला होटल देखा होगा, उसी होटल में जाके वापस ठहरूंगा। लेकिन जो अफगानिस्तान का ट्रिप है ना, काफ़ी मस्त निकला यार, इतना मज़ा आया ना इस ट्रिप पे, ज़बरदस्त जो एक्सपीरियंस इस ट्रिप पे मिला ना, वो एक्सपीरियंस कभी नहीं, शायद लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। और ये वाला आई लव अफगानिस्तान का बोर्ड आपने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी देखा होगा। और ये अभी मैं उस टाइम आ रहा था डोमेस्टिक टर्मिनल से, और सॉरी इंटरनेशनल टर्मिनल से, और अब मैं आया हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल से। और ये है आई लव अफगानिस्तान। और अब हम लोग चलते हैं बाहर, बाहर के नज़ारे आप लोग पहले देख चुके हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं।